ठीक है, हम लेते हैं ऑरेंज कलर। 2 घंटे की वेट के बाद मेरा नंबर आया है यार। तो हमने ये प्रोसेस भी करना है यार, इतने मसले। Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Once again, welcome to another beautiful vlog. तो आज का vlog मैं घर से इसलिए स्टार्ट है कि मुझे जाना है कहीं पे। कहाँ जाना है आप लोग आगे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो अब होते फटाफट से रेडी, और रेडी हो के निकलना है ना, है भी निकलना है। तो साथ में मेरी वॉइस को भी कर दे इग्नोर, क्योंकि जब बंदा उठता है तो उसकी वॉइस होती है वाह वाह वाह। तो मेरी भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी वॉइस ऐसी ही है। तो मेरे स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। निकलते निकलते टाइम लग गया, खैर लेकिन कोई बात नहीं। प्रोसेस भी करना है यार, इतने मसले। प्लीज़ खबर मत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग हॉस्पिटल से शुरू हुआ है। मैं आई हूँ हॉस्पिटल और देखते हैं मसला क्या होता है। वेटिंग पे यार, दिमाग मेरा ख़राब हो गया है। अभी तक मेरा वेट चल रहा है यार। मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 घंटे की वेट के बाद मेरा नंबर आया है यार। अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ आगे। मिसाल खबर टेस्टुना 100% ठीक रागलल जे कम डेरा अनलाइकली दा। खैर मुंग ब्याम उगुरु कना नु मुंग बचे दे तासो जे करेक्शन उकु नु आगे ना पस पहुंच तासो 4.5 नंबर ब्याम पाते। तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स मिल गई, अब देखते हैं कि कहां जाते हैं। अब मुझे जाना है ब्लड टेस्ट के लिए। तो इतने सारे आज मसले यार में, और मुझे लगी है شدید भूख। सुन रहा के दा पस्ती आ दा मतलब घर में जर का मचा दा दा माल लगी जोड़ी का वाली सही छ। तो अभी यहाँ पे क्या रेडी हो रहा है, बैठ दाने पूरे जब ब्लॉग जोड़ कर ये देख ले भाई। तो हमारे यहाँ से काम ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो बस। मुझे जाना है ब्लड टेस्ट के लिए और बस हालात वो देख लें। तो मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, और यहाँ मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं बना सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो पता के लिए हम लेते हैं ऑरेंज जूस, के हम लेते हैं ऑरेंज का जूस अभी यहाँ से। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के बाद पता नहीं क्या करूँगी, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही हर चीज़ की वेट वेट। तो मैं घर आ गई थी और मेरा जो टेस्ट है वो कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी नहीं, एंड ठीक नहीं भी है, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह को जो मंजूर। मतलब मैं आई टेस्ट के लिए गई थी कि मैं लेज़र करवाऊँ या नहीं। डॉक्टर ने फ़िलहाल बताया कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो फ़िलहाल के लिए आप स्टॉप रहें 6 मंथ के बाद आपने दोबारा से हम चेक करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप सब मेरे लिए दुआ करें, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।